नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी बिगुल बज चुका है। पार्टियां अपने अपने सियासी चश्मे से जातियों को खूब तौल रही हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर से 2014 का इतिहास दोहराने की कोशिश में है। पार्टी के पुराने फॉर्मूले यानी कि MY में अखिलेश यादव ने बदलाव करके अब मुस्लिम यादव की जगह महिलाओं और युवाओं पर फोकस करना शुरू किया है। कहा तो ये तक भी जा रहा है कि ये नई सपा है, नई हवा है, लेकिन सूबे में सियासी हवा अब जरूर बदल गई है। शायद सपा अभी भी मुलायम सिंह यादव के दौर में जी रही है, और यही वजह है कि कोई सपा नेता तालिबान का समर्थन करता है तो कोई 15 अगस्त के मौके पर झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान नहीं गा पाता है। विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव जातिगत समीकरण को साधने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, भगवान परशुराम की मूर्ति लग रही है। अखिलेश के इन प्रयासों पर सपा के नेता ही अब पानी फेरने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सपा नेताओं के विवादित बयानों की फेहरिस्त में एक और नाम आज जुड़ा है, सीतापुर के इसौली से सपा विधायक अबरार अहमद का। इनकी नजर में ब्राह्मण और क्षत्रिय कुछ भी नहीं है। अबरार अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसमें वो ब्राह्मण और क्षत्रियों को पानी पी पी करके कोसते हुए दिखे हैं। अब ऐसे में सवाल तो ये बनता है कि क्या सपा का फिर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सिर्फ एक दिखावा है? ब्राह्मण और क्षत्रियों से दूरी क्या सत्ता के लिए जरूरी है? विधायक आखिर अखिलेश के मिशन को ये पलीता क्यों लगा रहे हैं? और क्या सपा का बदला चेहरा चरित्र नहीं बदला है? ये सवाल तो बनता है। तो आज की चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको सपा विधायक अबरार अहमद का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी अब खुद बैकफुट पर आ गई है, जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, नई सपा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ कहा अबरार अहमद ने, एक बार सुनिए। सर, वो लोग कहते हैं अरे ये सरकार का ये है, तू के क्या, तुम्हारे द्वार हम सब मान लीजिए। क्या आपको उनके वोटों की जरूरत नहीं है? मैं कही थी द्वार वोट नहीं चाहिए मैं जी, हमारे पास इतना वोट है हमारे पास का जी। मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत नहीं है? क्षत्रिय खुद ही करूँ हमें कही जी, हम तो क्षत्रिय क्यों जी, ये हम खानदान मुझे खानदान के हैं जी। फिर वो लोग कहते हैं, तो वहीं सपा विधायक अबरार अहमद के अब इस विवादित बयान के बाद सुल्तानपुर पे बीजेपी विधायक सूर्यभान सिंह ने तीखा प्रहार किया। इंडिया न्यूज संवाददाता ने इस विषय को लेकर उनसे खास बातचीत की, तब उनका क्या कुछ कहना रहा ये भी सुनिए। सुल्तानपुर के भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह जी के साथ आइए जानते हैं कि सपा विधायक इसौली विधानसभा क्षेत्र से जिन्होंने कल अमर्यादित बोल बोले हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे क्षत्रिय और ब्राह्मणों का किसी का वोट नहीं चाहिए, जहां एक ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से ब्राह्मणों और क्षत्रियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं उनके सपा विधायक अबरार अहमद जी जिस तरह से उन्होंने अपने अमर्यादित बयान दिए हैं उस विषय में हमारे सुल्तानपुर के भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास का नारा चलता है। इन्होंने जो क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बारे में बात किया है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का सामंजस्य है, इसमें ठाकुर ब्राह्मण सबको जोड़ने के काम, हर जात को जोड़ने का काम चल रहा है। उन्होंने इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया ये उचित नहीं, इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ठाकुर ब्राह्मणों को साथ तो कतई नहीं करना चाहिए। देखिए, अभी भाजपा विधायक सूर्यभान सिंह जी ने कहा कि सपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है, उनके विधायक भी इसी तरह से बौखलाए हुए हैं और यही कारण है कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो चुनावी मौसम है, इस तरीके के बयान तत्काल लपके जाते हैं और उस पर तत्काल प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। वो प्रतिक्रियाएं अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता के तौर पर, लेकिन और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस बयान के बाद आपको और सुनवाते हैं। क्या कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया इस बयान के आने के बाद, सुनिए। चुनाव में सभी जातियों का वोट सभी पार्टियों को चाहिए और जरूरी होता है, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कह सकती। हाँ, सपा विधायक अबरार अहमद जी ने किन परिस्थितियों में ऐसा कहा है, क्यों कहा है, इसके पहले का हाल जानना आवश्यक है। ये उनकी व्यक्तिगत कोई बात हो सकती है या प्रश्न कुछ दूसरा हो सकता है जब ऐसा कहा हो।
जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, समाजवादी पार्टी अपने पूरे कैंपेन को जातिवादी और मजहबी उन्माद में बदलने का लगातार प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने जिस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लेकर के की है, इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार का रवैया अपनाया जा रहा है, बहुत ही चिंतनीय है। भारतीय संस्कृति में इस तरीके की इजाजत नहीं है कि किसी भी समाज। तो राजनीतिक तौर पर इस पर प्रतिक्रियाएं क्या हैं, ये आपके लिए सुनना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। आप ये समझे कि समय जो बयान दिए जाते हैं उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं और उससे कहीं ना कहीं एक जो नैरेटिव है वो भी सेट होता है और उसके आधार पर ही जनता जो वोट है वो भी करने के लिए निकलती है। और इसलिए अगर इस तरह की बयानबाजी हो रही है तो फिर जाहिर बात है कि उसका जो खामियाजा है उस पार्टी को जरूर भुगतना पड़ेगा जिनके माननीय ये बात कहते हुए नजर आए, किसी भी कंटेक्स्ट में उन्होंने इस बात को कहा हो। आज की बहस का सवाल है, उस पर भी नजर डालते हैं। सवाल आज की बहस का यही है कि क्या सपा का जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन अभी चल रहा है, अगर अबरार अहमद के इस बयान को आप सुने तो क्या उसको हम दिखावा माने। सवाल इस बात का भी है कि क्या ब्राह्मण क्षत्रियों से दूरी जरूरी है सत्ता के लिए, ऐसा लग रहा है समाजवादी पार्टी को क्योंकि उनके विधायक इस तरह की बात कह रहे हैं। विधायक ही अगर इस तरह की बात को कह रहे हों तो फिर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन या फिर जो कवायद अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या उनकी इस कवायद में पलीता लगाते हुए दिख रहे हैं ये विधायक? सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सवाल सबसे अहम ये है कि नई सपा है, नई हवा है, ये जो नारा समाजवादी पार्टी दे रही है, क्या वाकई में सपा बदली है या फिर नहीं, या उसी पुराने एमवाई वाले फॉर्मूले पर चल रही है? यह भी सवाल इसके साथ जुड़ता है क्योंकि उनके ही चुने हुए विधायक इस तरह की बात सार्वजनिक तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है और उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं, जैसे जैसे आप देखेंगे चुनाव नजदीक आएगा इस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां आपको खूब सुनने को मिलेंगी और उसमें अगर कोई बयान इस तरह का होगा जो कि विवादित हो या फिर किसी जाति समुदाय धर्म विशेष को लेकर के हो तो फिर उस पर राजनीति खूब जमकर होगी और वही हो रहा है। अब सपा विधायक जो बात कह रहे हैं उसको लेकर के तीखी आलोचना उसकी हो रही है और अब उस पर अपनी अपनी तरह से लोग अपनी अपनी बातों को भी सामने रख रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, आपको मैं ये जरूर बता दूं कि लगातार नई सपा के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, चाहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए हो या भगवान परशुराम की मूर्ति को लगाने की बात हो रही हो। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में ब्राह्मणों के साथ अपना जो पैठ है उसको मजबूत करने की कोशिश या फिर परशुराम की मूर्ति के जरिए, ये सारी कवायद आपको सिर्फ और सिर्फ चुनावों तक आपको इसलिए भी देखने को मिलेगी क्योंकि ये सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातीय समीकरण है ये बहुत अहम होते हैं, बहुत अहम तरीके से काम करते हैं पब्लिक डोमेन में या फिर चर्चाओं के बीच में। आपको भले ही प्रवक्ताओं के द्वारा यह कहा जाता हो कि हम सबकी बात करते हैं, लेकिन जातीय समीकरण उतनी ही मजबूती के साथ काम करते हैं, इसलिए सभी पार्टियां उनको साधने की कोई कोर कसर छोड़ती नहीं है। और अब इन सभी कवायद के बीच में अगर इस तरीके के बयान आपको सुनने को मिले तो जाहिर बात है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो चुनावों पर होता है। और अब ये जो बयान दिया गया है इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का इस पर रुख क्या रहता है, आगे आने वाले समय में इसके क्या जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो देखने को मिलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि चुनावी वर्ष है इसलिए इस तरीके के बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज के इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की डिबेट को ओपन करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरद त्रिवेदी जी स्वागत है आपका चर्चा में। प्रभाकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रभाकर पांडे जी आपका भी स्वागत है। शशि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं SBSP के। शशि प्रताप सिंह जी आपका भी स्वागत। दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप यशवर्धन जी आपका भी स्वागत। और तरुणिमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। तरुणिमा श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। शरद त्रिवेदी जी सबसे पहले मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि जो बात विधायक अबरार की तरफ से कही गई उसको आप कैसे देखेंगे? कह रहे हैं कि हमको जरूरत नहीं है ब्राह्मणों की क्षत्रियों की, हमको जरूरत नहीं है, जो हमारे साथ हैं हम उनके ही बलबूते अपनी सत्ता में दोबारा से वापसी कर लेंगे, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बयान है और यही इनका DNA है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से जो अपना चुनाव आयोग है उसने जब से सख्ती करी तो इन्हें थोड़े बहुत वोटों की या थोड़े बहुत लोगों से वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। पहले जब इतनी सख्ती नहीं थी तो ये सीधे जाके बूथ पे कब्जा कर लेते थे और जिसके चाहे वोट डलवा लेते थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। अब थोड़ा सा इनको जरूरत पड़ रही है क्योंकि अब इतनी सख्ती हो गई है, ई वोटिंग शुरू हो गई है, EVM मशीन्स आ गई है, तो अब इनको थोड़ी बहुत जरूरत पड़ गई है। और बयानबाजी के लिए अगर कोई पदक मिलता तो समाजवादी पार्टी को परमवीर चक्र मिलना चाहिए और उस समय इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
जैसे आपको याद होगा कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि छोटे मोटे बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। दूसरे इनके नेता ने कहा था एटा में कि छोटी मोटी चोरियां जो है अफसर करते रहे, लेकिन बड़ी डकैतियां जो है वो हमारे लिए छोड़ दीजिए। अभी 15 दिन पहले जो नेता विपक्ष है उन्होंने, चौधरी साहब ने बयान दिया था कि भाजपा जो है बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलाती है। एक हफ्ते पहले इनके शफीकुर रहमान बर्क साहब ने बयान दिया कि आतंकवादियों को पकड़ के मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। तो बयानबाजी इनके डीएनए में, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी वजूद नहीं बदल सकते हैं और ये अब एक उम्मीद की किरण जागी है। जैसे कहावत है कि सैया भय कोतवाल फिर डर का है, इनके यहाँ कहावत है भैया भय कोतवाल फिर डर का है। तो अगर भैया कोतवाल बन जाएंगे तो फिर मौज हो जाएगी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मारपीट में ये उस्ताद है पुराने, तो इन लोगों को किसी की कोई जरूरत नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रिय तो एक नाम आप जोड़ रहे हैं, इनको किसके वोट की जरूरत है? दो लोगों को भिड़ा देना है चुनाव। लखनऊ में आपने देखा कि हजरत जो राजधानी है उसके केंद्र में हजरतगंज में, हजरतगंज के दरोगा को उसी में बांध के घुमाया गया है, डीएसपी को गोली मारी गई है। और इनकी सरकार चुने जाने से पहले, चुनने के तुरंत बाद और शपथ लेने से पहले बुंदेलखंड में आग लगा दी गई इनके कार्यकर्ताओं ने। तो इनको एक उम्मीद की किरण जागी है, बयानबाजी शुरू हो गई है, अब चुनाव की धुंधली बाज गई है, लोगों ने देख चुके हैं। एक सपा में खासियत है कि इन लोगों ने, जैसे कहते हैं काट की हांडी दो बार नहीं चढ़ती है, लेकिन इन्होंने चार बार चढ़ा दी है काट की हांडी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब पांचवी बार नहीं चढ़ने वाली है। और इनको अगर इतना, चार बार चढ़ सकती है तो पांचवी बार भी हो सकता है। हाँ ये है कि भाई इस तरीके की बयानबाजी अगर हो रही है, अब उस पर स्टैंड समाजवादी पार्टी क्या लेती है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ रहे तो वो भी थोड़ा सा स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन हालांकि आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी तक नहीं जुड़े हैं। प्रभाकर जी मैं आपके पास आता हूं, कैसे देख रहे हैं? नई सपा है, नई हवा है, लेकिन स्टेटमेंट उनके जो विधायक हैं वो इस तरीके के दे रहे हो, इसको आप कैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर? क्या बदली है सपा? आयुष जी, जब क्षेत्रीय पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ ये भारतीय राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बाद में आई, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, इसकी पुरातनता को स्वीकार पूरा देश करता है। इस तरह की बयानबाजी, मैं बयान पढ़ा उसमें एक शब्द चोर, उन्होंने चोर भी लिखा है उसमें कि चोर भी। अभी भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, अरे आप कहां कम उससे हैं, आप कौन से ब्राह्मणों के हमदर्द हैं, आप भी तो उसी पंक्ति में खड़े हैं जिस पंक्ति में सपा खड़ी है। और रही बात, ये वोट की राजनीति नहीं है, ये आयुजी गिरा अर्थ जल बीच महु कहियत भिन्न भिन्न, जो अंदर भाव भावित रहते हैं वही अर्थ के रूप में मुख से मुखरित होते हैं, वही अपनी वाणिता को प्राप्त करते हैं। तो अंदर का भाव समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा और नफरत है, उसकी परिणति है यह बयान देना, चोर शब्द का उपयोग करना, प्रयोग करना। ये बहुत ही, इसको मैं बहुत अंतःकरण से इसको धिक्कारता हूं इस शब्द के लिए। अंदर की जो भाव इनके प्रबुद्ध सम्मेलन करते रहे उसे कुछ नहीं मिलना है। मैं ब्राह्मणों को ये सजेस्ट करना चाहता हूं निवेदन के साथ कि भाई एक तरफ है नीचे तीर, धनुष पर तीर चढ़ाए तमाम साधते हुए एक पार्टी खड़ी है और ऊपर एक बाघ खड़ा हुआ है, बीच में अपनी पक्षी की भूमिका हो, पक्षी की भूमिका में ब्राह्मण को समझ रही है दोनों पार्टियां। ब्राह्मण सचेष्ट हो जाए कि कहीं अगर धनुष से तीर छूटा तब भी मेरी हत्या, अगर बाघ पकड़ा तब भी मेरी हत्या। कितना विचित्र संयोग है आप प्रभाकर जी, प्रभाकर जी बहुत मतलब प्रभाकर जी कितना विचित्र संयोग है, आप पांडे जी हैं, शरद उदय त्रिवेदी जी हमारे साथ बैठे हुए, बहुत बढ़िया जवाब देंगे, मुझे लगता है मैं उनसे आपकी इस बात का जवाब जरूर लूंगा, लेकिन मैं एसबीएसपी का रुख कर लेता हूँ। सर मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्योंकि शशि प्रताप सिंह जी जो बात कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की, एक तो नई हवा है, नई सपा है, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के समय चुनावी मौसम में अगर हम देखें, कैसे देखेंगे इसको? आपका एक रिएक्शन इस पर मैं चाह रहा हूं। नमस्कार सभी को, मैं कहना यह चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया प्रबुद्ध सम्मेलन, उसको देखकर भाजपा ने भी शुरू किया प्रबुद्ध सम्मेलन, अब सपा भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। प्रबुद्ध का मतलब क्या होता है इन लोगों को पता ही नहीं है। प्रबुद्ध मतलब होशियार लोग होते हैं,
वो बेवकूफ लोग नहीं होते, उनकी सम्मेलन कराने की क्या जरूरत है। वो तो खुद जानते हैं कि हमारा, हमको बुलाकर हमारा सम्मेलन कराया जा रहा है हमसे वोट लेने के लिए। और हमको तो लगता है कि जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनका सम्मेलन कराकर उनको शिक्षा के बारे में बताया जाता, वोट देने का अधिकार बताया जाता, वोट की ताकत को बताया जाता, तो शायद देश का विकास भी होता और अशिक्षित लोग शिक्षित भी होते और शायद वो लोग कुछ समझदार बनते। पर वो लोगों का सम्मेलन कराना, वही उन्हीं लोगों का जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका सम्मेलन कराने का क्या मतलब है। और पढ़े लोगों का लिखों का सम्मेलन वो लोग करा रहे हैं और वो उस सम्मेलन में वो लोग जा रहे हैं जो अनपढ़ हैं, नेता हैं, नेता सपा हो, भाजपा हो या बसपा हो, बहुत से नेताओं को मैंने देखा जो पढ़े लिखे नहीं है केवल नेता है और वो जाके प्रबुद्ध लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को समझा रहे हो, क्या समझा रहे होंगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो भाई, नेता बनने के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है, या तो सभी राजनीतिक पार्टियों को एक तरफ से इसका जो है समर्थन करना चाहिए, कोई लाइए कानून की भाई इतना पढ़ा होगा वही आदमी नेता बन सकता है, उस पर तो कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग, फिर कहेंगे वो पढ़े लिखे नहीं है नेता। भाई नेता है ना, जनमानस उनको चुन रहा है, जनता ने उनको चुना है, जनता जो 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 समझदार जनता है उसने चुना, और अब वो चुना हुआ प्रतिनिधि अगर नेता है तो भाई वो जाकर के कन्विंस कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। पढ़े लिखे इंसान को एक नेता क्या समझा सकता है, एक आईएएस पीसीएस अधिकारी को कोई नेता क्या समझा सकता है, क्या बता सकता है उसको कि हमको वोट दो। वो समझदार खुद अपने आप में समझदार है, उससे कहने की उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझा। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सभी सभी पार्टियां एसबीएसपी इसकी शुरुआत कर दे, अपने एजेंडे में इसको भी डाल लीजिए कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो फिर नेताओं की क्वालिफिकेशन भी हमको डिसाइड करवाने के लिए, अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा, अनपढ़ होगा तो वो नेता नहीं बनेगा। चुनाव लड़ेगा उसके लिए क्राइटेरिया तय किया जाएगी, ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए और इतना परसेंटेज नंबर होना चाहिए, वही विधानसभा इसकी शुरुआत करिएगा। चुनाव लड़े मैं तो चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपके चाहने से नहीं भाई, आपकी बात जो कैंडिडेट ऐलान करिएगा उसमें क्वालिफिकेशन के साथ करिएगा, मैं तो इसकी उम्मीद करूंगा और मैं जब चर्चा में बैठूंगा तो पूछूंगा। देखिए अगर यह कानून डबल इंजन की सरकार ले आएगी तो उसको हम लोग फॉलो नहीं, वो तो नहीं कर रहे ना, इसलिए आरोप लगा रहे, लेकिन आप लोग कहते हैं करते नहीं है। मुझे मेरी आपत्ति केवल इतनी, बाकी कहने को जो भी कही आप। तरुणमा जी, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल अलग तरह की राजनीति, आप लोग तो कहते हैं सिर्फ डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत जो सच्चाई है उससे आप नकार नहीं सकते और ये फैक्टर यहां पर बहुत अच्छे से काम करता है। हाल का ये जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ जोड़ते हुए, एक रिएक्शन आपका चाह रहा हूं मैं। देखिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों को जाति धर्म में बांट दिया जाता है। जब चुनाव आता है उससे पहले ऐसी कोई भी बात नहीं की जाती है, जैसे चुनाव आएगा वैसी जाति धर्म पे डिबेट और जाति धर्म पे सम्मेलन होने लग जाती है। और जैसे शशि जी ने बताया कि प्रभुत्व जो होते हैं वो खुद बुद्धिजीवी होते हैं, तो बुद्धिजीवी कोई जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं क्योंकि बुद्धिजीवी है, वो पढ़े लिखे हैं। और आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी जो पार्टी है वो बुद्धिजीवी की है और इसमें सभी जाति धर्म सभी आते हैं। और हम लोग सिर्फ विकास की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा सरकार है और उसने यहाँ पर तबाही मचा रखी है, मैं इसे तबाही ही कहूंगी, क्योंकि ना स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है, ना शिक्षा अच्छी है, ना यहाँ कानून व्यवस्था अच्छी है। अभी फिर अलीगढ़ में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। शिक्षा के नाम पर आप देखिए, अभी स्कूल एक औरैया जिले में शायद स्कूल जो है उसको छत गिर गई, अगर बच्चे होते तो आप सोच सकते हैं कितने बच्चों की मौत होती। और दबंगई की बात करें तो अभी गाजियाबाद में ही भाजपा के ओबीसी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनके रिश्तेदार और आपसी पड़ोसी में सिर्फ कूड़े के लिए बंदूक से फायरिंग की गई, ये दबंगई दिखाई जा रही है। यहाँ पर अभी नोएडा में दबंगई दिखाई गई भाजपा नेता द्वारा, तो ये किसी में भी कहीं भी कमी नहीं है। अगर कोई पार्टी दबंगई के लिए मानी जाती है, कोई पैसे के लिए मानी जाती है, तो सबका रिकॉर्ड तोड़कर ये भाजपा सरकार इस बार आई है और इसने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश को गर्त में डाल दिया है। मैं बस इतना कहूँगी। चलिए दिलीप जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शन जरूरी थे ताकि पता चले कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप एक राजनीतिक विश्लेषक होने की दृष्टि से समाजवादी पार्टी को बहुत पुराने समय से आप देख रहे हैं, नई सपा है, नई हवा है, इस तरीके की बातों को कहते हुए उनके विधायक अगर ये बात कह रहे हो, इसको कैसे देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर, एक विश्लेषण चाह रहा हूं मैं आपका।
आयुष जी, पैकेजिंग बदल देने से प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बदल जाती है। नई सपा है, नई हवा है होगी, लेकिन ये नया स्लोगन है, विचारधारा नई नहीं है, नई पैकेजिंग है, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी वही है। दूसरा, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये जो बयान है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बयान है। भारत का संविधान इस तरह के बयान देने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर पार्टी का प्रवक्ता यही बात यहाँ बैठ करके कर रहा है। हर प्रवक्ता जाति की बात कर रहा है, ब्राह्मण की बात कर रहा है, एससी एसटी ओबीसी की बात करता है और करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो अभी शशि प्रताप जी ने कहा कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैं इस बात की वकालत करता हूं, लेकिन क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा जब किसी विधायक को, मंत्री को, सांसद को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा करके कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खिलाई जाती है और वो कहता है कि मैं भारत के कानून और संविधान के हिसाब से इस देश की जनता की सेवा करूंगा, तो बड़ा हास्यपद लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी संविधान की किताब ना देखी हो खोल करके, जिसने कानून का ना पढ़ा हो, वो ये शपथ लेता है कि मैं कानून और भारत के संविधान के हिसाब से देश की जनता की सेवा करूंगा, और हमारी देश की जनता इस बात को एक्सेप्ट करती है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। और इस तरह के बयानबाजियां देखिए, सबसे बड़ा कारण यहां पर यह है कि एक तरफ तो पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है, ब्राह्मणों की पैरोकारी कर रही है, भाजपा के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, इसलिए वो अपने को समेटने में लगी है। और दूसरी तरफ इनके ये जो सपा जो अबरार अहमद साहब है वो ये बयान देते हैं कि उनको ठाकुर और पंडितों का वोट नहीं चाहिए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि मुसलमानों के वोट को पोलराइज करना चाहते हैं, कि मुसलमान जब ये सुनेंगे कि हमारे यहां भी कोई ऐसा धाकड़ नेता है जो ठाकुर और पंडितों को खुलेआम गाली दे सकता है, तो ये हमारा नेता अच्छा है। और ये नेता अगर समाजवादी पार्टी का है तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कही जाती है एमएस फैक्टर हमेशा काम करता है। तो ये जो एमएस फैक्टर है उसको और मजबूत करने के लिए ये बयान जानबूझ के दिलवाया गया है, और सिर्फ मुसलमानों के वोट को पोलराइज करने के लिए। शरद जी, नाराजगी है ब्राह्मणों की आपसे भी, और इसलिए आप इस तरीके के स्टेटमेंट से, फिसले की पोलराइजेशन हो जाए, मैं चाह रहा हूं कि जवाब दे दे जो बात अभी कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से उठाई गई थी। सारी मैं कांग्रेस का भी आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि इन सपा ने तो गैरों के लिए ये बात कही है, जो सारे ही इनके गैर है, इनका अपना तो खाली वही जो चंद गुंडे हैं जो इनके साथ रहते हैं, बाकी तो सभी इनके गैर हैं। इसमें ब्राह्मण, ठाकुर और बनिए का या किसी अन्य जाति का, दलित का कोई लेना देना नहीं, ये हर एक को समान भाव से देखते हैं। बहन जी के साथ भी इन्होंने गेस्ट हाउस कांड में जो किया है वही इन्होंने वाजपेयी जी के साथ इटावा में किया था, जो इनका गढ़ माना जाता है। और कांग्रेस ने तो अपने ही लोगों का अपमान किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ना पड़ा जब, क्योंकि उनको वहां से सत्ता से जीते हुए जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनको यहां से देश छोड़ के जाना पड़ा। मुरारजी देसाई को पार्टी छोड़नी पड़ी, ममता बनर्जी को पार्टी छोड़नी पड़ी, शरद पवार जी को पार्टी छोड़नी पड़ी। और सबसे बड़ा, विश्व का इतिहास में सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर किसी पार्टी के नेता का या जो उसकी बेइज्जती की जा सकती है वो सिर्फ कांग्रेस में हुई है, कि नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को इतने उनकी इज्जत नहीं करी गई कि कांग्रेस के दफ्तर में रखा जाए। मतलब इस हद तक अगर कोई पार्टी गिर सकती है कि ठीक है, हम लोग जिंदा हैं, एक दूसरे को हम जवाब दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं, हम लोगों का वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन अपनों के साथ, और जो जिंदा भी नहीं अपने लिए लड़ने के लिए, जब उसके पार्थिव शरीर को ये अपने जो नेहरू भवन है और उसमें अगर रखने से मनाही है, तो आप सोच सकते हैं कि इस पार्टी का क्या हश्र है। दुकानें इनकी बंद हो चुकी है, उत्तर प्रदेश छोड़ के ये केरला भाग के गए हैं। और मैं, हमारी जो बहन है आम आदमी पार्टी से, मैं उनको भी ज्ञान करा दूं कि दिल्ली में कितनी छतें गिरती हैं बरसात में और कितने लोग उसमें मरते हैं, उनकी कल्पना, मतलब अगर मैं गिनाऊं तो शायद समय बीत जाएगा। लेकिन ये जो आज का मुद्दा जैसे आपने आयुष जी उठाया है वो बिल्कुल सही है। ये बयानबाजी जाति का, हमारी पार्टी का किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये देश की पार्टी है। और मुसलमानों के लिए मैं आपको बता दूं, जो मुसलमानों के मसीहा बन रहे हैं आज, उन्होंने त्रिवेदी जी भाई देखिए, सबका साथ सबका विकास के बीच में प्रबुद्ध सम्मेलन अगर आप करेंगे तो आज आज ये हालत है, इसके मायने में क्या समझो, उनके मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाई कॉम्बिनेशन बनाने की, आप ये कहते हैं कि आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आपने जो काम किया, योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया, आप उसके आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, हम हर जाति का सम्मेलन, हर जाति का सम्मेलन है, हर जाति से हम जुड़ रहे हैं, हर जाति को हम आगे बढ़ाते हैं, हमारा कोई एक जाति या कोई अपना या कोई पराया नहीं है।
हर जाति का ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। गांव के दलित व्यक्ति को कानपुर के उसको भारत के सबसे बड़े पद पे बैठाया है, जो जिसका प्रधानमंत्री जो चाय बेचता था वो प्रधानमंत्री बना है, जो पोस्टर चिपकाता था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। ये जो सबसे बड़ी पार्टी बनी है, कुछ किया है हमने जिसकी वजह से पार्टी बनी है, तो ये जो हमारी अगर ये हालांकि आप कहेंगे कि नहीं है, लेकिन अगर ये नैरेटिव हो रहा है या ये परसेप्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो ये ब्राह्मण क्यों नाराज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से? प्रभाकर पांडे जी को ब्राह्मण वो भी बता रहे नाराज है। जाति कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित कोई भी भाजपा से नाराज नहीं है। तीन बार भाजपा ने चुनाव लड़ा है, दो बार इन लोगों को खुद सपा को पहले बसपा से जोड़ना पड़ा, कांग्रेस को सपा से जोड़ना पड़ा। जब इतने अच्छा ये लोग काम कर रहे थे, इतनी अच्छी बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेस की तो सर्वस्व खत्म हो गया उत्तर प्रदेश से। मैंने हाल ही के कुछ दिन पहले मैंने देखा कि कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगा था, बीच में छोटा गेट खुला था। तो जहां ये हालत होगी, जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो कहते हैं कि हमने देश को आजादी दिलाई, जो जिन्होंने देश का बंटवारा कराया, मतलब झूठ की बुनियाद पे प्रभाकर जी समझ जाओ, प्रभाकर जी खड़ी कर सकते हैं। प्रभाकर जी, प्रभाकर जी, आयु जी, मंच पर नृत्य करने वाला अपना नृत्य स्वयं नहीं देख पाता है, देखते दर्शक हैं और उसके गुण दोष का परीक्षण दर्शक करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडलीय विस्तार में ये बता दिया कि ये जाति की राजनीति करते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, स्पष्ट है। हालांकि ये भी इनका चला नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों को मंत्री नहीं बनाए हैं जिनका व्यक्तित्व ये हो कि पूरी प्रदेश की एक जात उनकी अनुगामी और अनुगामिनी हो सकती है। इसलिए चर्चा प्रभाकर जी, एक सवाल मेरा भी है। प्रभाकर जी, मेरा सवाल है, उसके बाद आप कंटिन्यू करिए। मुझे बताइए, आपने कहा कि इन्होंने अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार किया उसमें इन्होंने ये दिखा दिया कि ये जाति की राजनीति करते हैं, पंजाब में आपने क्या दिखाया? वहां कौन सी राजनीति कर रहे थे आप? दलित चेहरा। आयु जी, कांग्रेस की बात किया, कांग्रेस ये अपने पूरे राजनीतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी इतिहास का अध्ययन की है इन्होंने, और वह भी इतिहास गड़बड़ इतिहास, उसका सही कोई उसका वो नहीं है। इनका उदाहरण दू भारतीय जनता पार्टी का, वो भी देश ने देखा कि जो फाउंडर है, जो संस्थापक, जिसको पूरा देश पूज रहा था, उसके आंख से आंसू गिरते देश ने देखा। उस व्यक्ति को भी देखा, शांता कुमार को, डॉक्टर मुन्नी मोहन जोशी जैसे योग्य कोई नेता भाजपा में उस समय नहीं था। तीन धरोहर, अटल, अडवाणी और मुरली मनोहर, उनकी दुर्गत देश ने देखा है। ये कांग्रेस की बात क्या करेंगे, अपने उसमें झांक कर देखे के कहां के है। अब तीसरे बिंदु पर आयु जी आता हूं, ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण अपनी अस्मिता, अपनी मर्यादा, अपनी अस्तित्व है और अपने को स्थापित करना चाहता है, तो सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ावे, भारतीय जनता पार्टी से पिंड छुड़ावे। और ये सांपनाथ और नागनाथ आज परिलक्षित हो गया, तो ब्राह्मण अपनी मर्यादा को अपनी उन्मुक्तता के साथ, हाथ के साथ करे, ब्राह्मण की अस्मिता बची रहेगी, मर्यादा बची रहेगी। और आयु जी, बाकी इन लोगों की इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। ये ब्राह्मण को इनकाउंटर कराए, ब्राह्मणों को गाली दी है, आज ही ब्राह्मणों को गाली देती है, ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़ते नहीं है, समाजवादी पार्टी भी आज कर दी, ब्राह्मणों को गाली दे दी। और क्या कहते हैं प्रवक्ता बीजेपी महोदय, किसी जात पर ही फोकस करते हैं आप, सबसे लोकतांत्रिक बिरादरी ब्राह्मण है और ब्राह्मण सब बनना चाहता है, लेकिन गाली ब्राह्मण को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यही 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 इसी का जिक्र मैं कर रहा था कि सब नाना करते करते भी जाति की बात करते हैं, और उसके बाद उस जाति को कौन साध पा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि कहते जरूर हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, हमारी राजनीति से थोड़ी अलग है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सवाल तो बनता है, मैं सवाल आज समाजवादी पार्टी का, चूंकि समाजवादी पार्टी के एक विधायक अगर इस बात को कह रहे हूं कि उनको ब्राह्मण और क्षत्रियों के वोट की जरूरत नहीं है, तो बात इस बात का भी है कि आखिर
समाजवादी पार्टी, जिस नई समाजवादी पार्टी की बात कर रही है, क्या ये वही नई समाजवादी पार्टी है? उनके इस बयान के मायने क्या समझे जाएं और इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर अब समाजवादी पार्टी का रुख आगे क्या रहता है ये भी देखना बहुत अहम है, क्योंकि अभी ऑफिशियली इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्ट अभी नहीं किया गया है। हाँ, जिन माननीय ने ये बयान जरूर दिया, उन्होंने अपनी सफाई में इस बात को जरूर कहा कि मजाक में उन्होंने इस तरीके की बात कही थी, लेकिन मजाक में भी अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं? इसी पर चर्चा लगातार जा रही है। एक बार फिर से डिस्कशन में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ आप बने हुए हैं। शशि प्रताप जी, मैं आपके पास आता हूं वापस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपनी बात को भी रखिएगा, लेकिन आप लोग भी तो ये बात तो कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसमें अगर कोई क्षत्रियों की, कोई ब्राह्मणों की, कोई तमाम अन्य जातियों की बात अगर कर रहा है तो उसको लग रहा होगा कि उसका बेस स्ट्रांग है, उन 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 जातियों के वोट को लेकर के वो सत्ता तक पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने इस तरीके की बात को कहा। अलग राजनीति की बात जो आप भी कर रहे हैं उससे आपकी पार्टी अछूती थोड़ी ना है। देखिए, सपा के जो विधायक जी ने कहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा फल मिलना चाहिए। और जहां तक सवाल है, आजादी के 75 साल के बाद भी जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उस पिछड़े समाज में दो तीन जातियों को छोड़ दें तो बाकी जातियों को आज तक पिछड़े समाज को सरकार के द्वारा क्या क्या लाभ मिलता है उसकी जानकारी भी लोगों को नहीं है, और जो उसमें मजबूत जातियां हैं उस लाभ का फायदा हमेशा लेती जा रही हैं। और एक तरफ हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पूरा भारत एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और भारत में अभी भी कम से कम नहीं तो मुझे लगता है कि 50 जातियां ऐसी हैं जिनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, ना उनको आवास मिला, ना शौचालय मिली। आवास शौचालय की बात छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है उत्तर प्रदेश में शिक्षा। मेरे पार्टी और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा कहना है कि मेरा सबसे सर्वप्रथम मांग है और सरकार से कहना है, और जो सरकार में चार चार बार रह गए हैं, जो केंद्र में रह गए हैं, उन लोगों ने कभी भी निचले स्तर को शिक्षा देने का प्रयास नहीं किया। आज शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर शिक्षा निचले स्तर को देना शुरू कर देंगे अपने आप विकास का पहिया चलने लगेगा। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं, सपा के तो विकास की बात करते करते जाति की बात क्यों होने लगती है? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, आप कहिए पूरे समाज का विकास होना चाहिए, प्रदेश का होना चाहिए, उसमें जाति की फिर चर्चा क्यों करते हैं आप लोग? अच्छा, वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। मैं पूछ रहा हूँ कि जो बड़ी जाति के लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, हम भी सवर्ण जाति में आते हैं, हमारे पास संसाधन है पढ़ने का, अच्छे स्कूल में जाने का, तो सरकार जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं, उनको भी वो शिक्षा का व्यवस्था क्यों नहीं दे, ताकि वो भी शिक्षित बने, रोजगार पाए, नौकरी पाए। एक समान सवर्णों में क्या ऐसे लोग नहीं है जिनको अभाव है? स्वर्णों में है, मैं उन सबकी बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि उसमें जाति का जिक्र क्यों करते हैं आप? देखिए, गरीब जो जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद है, जो इस विकास की रफ्तार में कहीं पिछड़ गया, जो विकास में कहीं पिछड़ गया या जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये पार्टियां क्यों नहीं कहती हैं? आप किसी वर्ग विशेष की बात करना शुरू कर देते हैं, अगली पार्टी किसी वर्ग विशेष का जिक्र करना शुरू कर देती है, यही तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना। इसीलिए उन्होंने भी कह दिया कि भाई उनको नहीं है जरूरत, उनका MY फैक्टर काम कर जाएगा, उनको जरूरत नहीं है ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की। फिर आप उस पर क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? वो सब तो अपनी अपनी तरह से बात कर रहे हैं ना, जिसको जो जाति सूट कर रही है, जिसको जो लग रहा है कि उसके साथ खड़ा है, वो उसकी बात कर रहा है। अब देखिए, उनको उनको ब्राह्मण राजपूत क्योर की जरूरत नहीं है, तो उनके जो मुखिया है अखिलेश यादव जी, उनसे सवाल जवाब करेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है, और आप भी जान रहे हैं, देख रहे हैं कि 75 साल में बहुत ऐसी जातियां हैं, अनगिनत जाति है, पिछड़े और दलित जातियां, जिन्होंने स्कूल का मुंह तक अभी तक नहीं देखा। मिलना चाहिए उनको, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन सभी को होना चाहिए, जो जो नहीं पहुंचा वो सबके लिए होना चाहिए। जी तरुणमान जी, मैं सभी जाति के गरीबों से के लोगों को कहना चाहता हूं, अब आप सही लाइन पर हैं। तरुणमान जी,
उत्तर प्रदेश के अंदर जाति बहुत कड़वी सच्चाई है। आप भले ही कहें कि आप अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ जो मुद्दे हैं उसके ऊपर राजनीति करेंगे, लेकिन बिना इसके सत्ता का रास्ता यहाँ से खुलता नहीं है। यहाँ सभी की बातें आपने सुनी, उसमें कैसे आम आदमी पार्टी को आप स्टैंड करेंगे, कैसे इस पोजिशन में आएंगे कि जनता आपको कम से कम एड्रेस करना शुरू करे? तरुणमा जी, देखिए उत्तर प्रदेश में हमारा प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है और दिल्ली की जो मॉडल है वो पूरे उत्तर प्रदेश में हम घर घर तक पहुंचाने वाले हैं और पहुंचा रहे हैं। हमारे कैंडिडेट भी घोषित हो चुके हैं और दिल्ली के बारे में हम लोगों को ज्यादा बताना भी नहीं पड़ता, हमें अपने आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताना भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम किसी गरीब तबके के एरियाज में जाते हैं या हम किसी भी गांव देहात में जाते हैं, शहरी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहां लोगों को दिल्ली के बारे में मालूम है कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधा कितनी अच्छी हुई है, शिक्षा कितनी अच्छी हुई है और महिला सुरक्षा कितनी अच्छी है, बच्चों महिलाओं के लिए बस फ्री है और बच्चों के लिए स्कूल में फीस जो नहीं देनी पड़ती और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इतना स्ट्रक्चर बढ़िया है कि प्राइवेट स्कूल से आप कंपेयर कर सकते हैं, जिससे जो गरीब। लेकिन इससे कैसे तरुणिमा जी आप कन्विंस करेंगे? दिल्ली के अंदर जो कुछ भी है सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है ना, जो भी कुछ किया वो सब आम आदमी पार्टी का तो नहीं है ना? देखिए आम आदमी पार्टी ने सिर्फ वो काम किया जो एक आम नागरिक के सम्मान के लिए उचित था। अगर सरकारी स्कूल बनाए पिछली सरकार ने तो उसका स्तर इतना गिरा हुआ था कि लोगों को प्राइवेट और सरकारी में कंपेयर करने लगे थे, लेकिन हमने आकर उसके स्ट्रक्चर को उसके बराबर खड़ा कर दिया। जब हम जाति धर्म को छोड़कर और हम गरीब और अमीर को जब बराबरी में खड़ा कर देते हैं तब इस देश का विकास होता है, और हम सिर्फ देश के विकास के लिए काम करते हैं, हम लोगों के विकास के लिए काम करते हैं, हम उस जाति के लिए भी काम करते हैं जिसे शिक्षा नहीं मिलती, जिसे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलती और उन्हें जानबूझकर ये सुविधाएं और सरकारें नहीं देती जिससे कि उनका विकास ना हो सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सभी को हर सुविधा, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करेगी, और हमने आते ही 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की है और ये जो घोषणा है इससे जनता बहुत खुश है और ये चर्चा ठीक है। चले तरुणिमा जी, कन्वेंस होना जनता, बस मेरा सवाल सिर्फ केवल इतना ही था। दिलीप यशवर्धन जी, क्या जातिगत समीकरण को या जातिगत फैक्टर को नकारा जा सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर? आइडियोलॉजिकल जो बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है इतनी आइडियोलॉजिकल है पॉलिटिक्स, कम से कम अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी हम समझने की कोशिश करें? नकारा जाना चाहिए, अगर भारतीय संविधान की मूल भावना की बात करी जाए तो जातीय समीकरण को नकारा जाना चाहिए। जाति की तो इस देश में कहीं कोई जगह ही नहीं है कानूनी रूप से, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, और संविधान की माना जाए तो इस देश में जाति की कहीं कोई बात ही नहीं हो सकती है। जो सुभाषपा के प्रवक्ता जी बातें कह रहे हैं शशि प्रताप सिंह जी, वो बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं उनकी बात का 100% समर्थन करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनकी जाति का, इनकी पार्टी का आधार ही एक जाति के ऊपर रखा गया है, राजभर समाज। खैर आधार कुछ भी रखा गया हो, लेकिन अगर अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो आप अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये चीजें ले आइए और इसी चीजों पर चुनाव लड़िए उत्तर प्रदेश में, तो आप एक नई परिपाटी सिद्ध कर सकते हैं। आप जाति पाति की बात मत करिए, राजभर समाज की बात मत करिए, ये जो शिक्षा की बात आपने करी, नेताओं के पढ़े लिखे होने की बात करी, इसी बात पर चुनाव लड़ जाइए तो आप आने वाले भारत का भविष्य होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तरुणिमा जी अभी कह रही थी कि इन्होंने अमीर और गरीब को एक साथ लाके खड़ा कर दिया, ये कौन सी राजनीति है कि आप अमीर और अगर अमीर है तो वो क्या आम आदमी पार्टी की वजह से है? आप गरीब को नीचे से ऊपर ले आइए, ये बात तो समझ में आती है। अगर आप अमीर को गरीब बना देंगी तो इस देश का भला कैसे होगा? इस देश की इकोनॉमी कौन संभालेगा? सारा आदमी गरीबी हो जाएगा, सरकार से फ्री पैसा लेगा तो सरकार के खाते में टैक्स कौन देगा? अमीर को गरीब मत बनाइए, गरीब को अमीर बनाइए। तो सर पूरी इस देश में 1947 के बाद 1951 से जब राजनीतिक पार्टियां बनना शुरू हुई है, 51 से लेके 21 तक गरीब को गरीब ही रखा गया है, और गरीब को गरीब इसीलिए रखा गया है कि वो राजनीतिक पार्टियों के भीख का कटोरा लेता रहे, उस कटोरे में राशन और रिजर्वेशन इसका भीख लेता रहे और आपको वोट देता रहे। यही पॉलिटिक्स आप भी कर रही हैं।
सारी पार्टियां यही कर रही है। आप देखिए आयुष जी, पहली बात तो ये कि जातियां गरीब नहीं होती हैं, व्यक्ति गरीब होता है। दूसरी बात सच्चाई ये है कि जिस व्यक्ति का या चंद व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का अपना हित सिद्ध होता है वो उसकी बात करता है। यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी से बैठे हुए हैं त्रिवेदी जी, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं। पांडे जी कांग्रेस से बैठे हैं, वो कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं। सिंह साहब सुभाजपा से बैठे हैं, वो सुभाजपा की तारीफ कर रहे हैं। तो ना तो त्रिवेदी जी पूरे ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना पांडे जी पूरे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ना सिंह साहब पूरे ठाकुर समाज का कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना लाभ और अपने चंद लोगों का लाभ देख रहे हैं, आज इस पार्टी में है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस यूपी से साफ हो गई और जो बचा उसको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, जितेंद्र प्रसाद को लाकर के कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुरली मनोहर जोशी आडवाणी इनको हटा दिया गया तो आप अपनी पार्टी में ले लीजिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि जिस व्यक्ति का जहां हित सिद्ध होता है वो चाहे जिस जाति का हो वो उसी पार्टी के कसीदे पढ़ना शुरू कर देता है और वो ये भूल जाता है कि वो पूरे समाज का अगुवा नहीं है, वो अपना लाभ देख रहा है और अपने साथ में चंद लोगों का लाभ देख रहा है। सुविधाएं मिलती है हमारी पार्टी, चलिए ठीक है एक एक करके ले रहे, ठीक है राजनीति नहीं करती है, ठीक है। क्या बिजली फ्री क्या ब्राह्मणों को नहीं मिलती? हम उनको भी पूरी तरह से देते हैं, हम शिक्षा भी उनके बच्चों को देते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहाँ चला गया तरुणिमा जी? इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहाँ चला गया? इंडिया अगेंस्ट करप्शन जिस पर आम आदमी पार्टी का आधार रखा गया था, बिजली तो भाई सभी को दे रहे हैं, कहां चला गया? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बिजली देते समय कहती है कि आप ठाकुर हैं तो ही मिलेगी, ब्राह्मण नहीं मिलेगी? आप तो कांग्रेस को जेल भिजवा रही थी, स्कूल जब बना रही है तो कहती है कि ठाकुर के बच्चे पाएंगे ब्राह्मण के नहीं पाएंगे। तमाम दुनिया बिजली कंपनी को ऑडिट करा दिया था, आज तक कुछ हुआ क्या? इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात अब होती है क्या? इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करती है क्या? कहीं स्लोगन सुनाई देता है इंडिया अगेंस्ट करप्शन? इसी 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 एक तीन शब्द को लेकर के आपकी पार्टी का आधार पड़ा था, दुनिया भर का चंदा आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर उठाया और यही सबसे बड़ा करप्शन था, सबसे बड़ा करप्शन आपने किया इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहकर के। इंडिया को तो करप्शन के अगेंस्ट कर दिया और आप करप्शन लेकर के आगे बढ़ गए। अगर ये सारी जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी, अगर कोई ऊंचा दूल्हा नहीं है, सब अपना हित चाहते हैं, समाज का हित कोई नहीं चाहता है। चलिए शशि प्रताप सिंह जी का हित नहीं चाहता है, एक्शन ले लेता हूं। मिडिल क्लास की बात करिए, सर्व समाज का सम्मेलन करिए, क्यों क्यों जाति की बात करते हैं आप लोग? नहीं, मिडिल क्लास की बात तो कोई नहीं करेगा, ठीक है। बहुत जल्दी से शशि जी ठीक है। तरुणिमा जी आपने कौन मिडिल क्लास की बात करता है बताइए? तरुणिमा मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, मुझे सरकार से क्या फायदा है? आज मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार को सरकार क्या देगी? मेरे बच्चों को पढ़ाएगी? हमारी बात सुनिए, मेरे भविष्य का ख्याल करेगी? चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सुभाजपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे सपा हो, कौन काम का मिडिल क्लास की कौन चिंता कर रहा है? आप मेरी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगी बताइए? टैक्सेस मुझसे पूरा लेते हैं, कंप्लाइंस मुझसे पूरी कराते हैं, मेरे ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं, मुझे क्या दे रहे हैं? क्या उनको शिक्षा नहीं? आप ले करके सब गरीबों को दे रहे हैं और मेरे ही पैसे से वोट खरीद रहे हैं, मेरे ही पैसे से वोट खरीद रहे हैं आप। आप सरकार के खजाने से सरकारी टूर करते हैं और उसका पार्टियों का प्रचार करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मुझे चर्चा भी यही समाप्त करनी पड़ेगी, समय नहीं है मेरे पास। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। जातिगत फैक्टर बहुत अहम है और ये बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर काम करता है। ये बात अलग है कि पार्टियां ये कहती हैं कि वो जातीय समीकरण को नहीं साधती हैं, लेकिन सबको पता है कि बिना जातीय समीकरण को साधे उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो पाना फिलहाल तो नामुमकिन सा लगता है। अब देखना यह है कि ये जो बयानबाजियां चल रही हैं उसके परिणाम इन चुनावों में किस तरीके के देखने को मिलते हैं। आज सवाल तो बनता है, मैं मेरे साथ फिलहाल इतना ही।